नमस्कार दोस्तों, देखिए आज सॉल्व करेंगे क्लास टेंथ मैथ चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या बोल रहा है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करो और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं की 1/1/2 है। तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पूर्णांक को तोड़ के क्या हो जाता है, 2×1+1/2 बराबर इधर कितना हो जाएगा, 2×1, 2 जोड़ 1 तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, इस प्रकार यहाँ लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले आधार बोल रहा है 8 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आधार खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर। देखिए 8 सेंटीमीटर खींच लिए, 8 सेंटीमीटर के ई रेखा को हम लोग समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं, 150 यहाँ पे रखेंगे और आधा से अधिक करेंगे और ऊपर नीचे काटेंगे दोनों साइड से। देखिए यहाँ पे रखेंगे, आधा से अधिक करेंगे और देखिए एक साइड इधर काटेंगे, फिर एक बार इधर काटेंगे, फिर यहाँ से सेम प्रोसेस करेंगे, एक बार इधर, फिर एक बार नीचे। अब देखिए इसको और इसको मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिए। अब क्या करेंगे, सवाल में देखते हैं अब कितना बोल रहा है। देखिए सवाल में यहाँ बोल रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो स्केल में हम लोग 4 सेंटीमीटर नापेंगे और इधर 4 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। देखिए यहाँ पे रखेंगे और ऊपर की ओर काट देंगे। अब देखिए जहाँ पे कटा उसको यहाँ पे मिलाएंगे, फिर यहाँ पे मिला देंगे। देखिए मिला दिए एक साइड, दूसरा साइड भी मिला दिए। अब क्या करेंगे, नाम रख देते हैं इसका ABC। ठीक है, अब देखिए बी बिंदु को इधर न्यून कोण खींचेंगे, 90 डिग्री से कम। देखिए न्यून कोण खींच दिए, अब इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, एक्स रख देते हैं। अब क्या करेंगे, सवाल में चलते हैं। देखिए सवाल में कितना गुना बोल रहा है, 1/1/2 बोल रहा है, तो कैसे निकाले हैं, तो क्या हो गया, 3/2 हो रहा है, तो अधिकतम कितना है, 3 है, तो 3 बार काटेंगे चाप, ये 150 को अंदाजा कितना बड़ा करना है और 3 बार यहाँ से काटना है, 1, 2, 3 बार कट गया। अब इसका नाम रख देते हैं B1, B2, B3। अब सवाल में चलते हैं। देखिए सवाल में बोल रहा है 3/2, तो हम लोग क्या बताए हैं, हमेशा नीचे वाला से मिलाना है, तो नीचे कितना है, 2 है, तो 2 से मिलाना है, यहाँ पे B2 से C में मिला देना है, तो चलिए मिलाते हैं। देखिए मिला दिए, अब क्या करेंगे, देखिए B3 को इधर मिलाना है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए बढ़ा दिए, देखिए यहाँ पे एक चाप खींचेंगे इस तरह और यहाँ पे, इसको अंदाज़ा कितना बड़ा करना है और यहाँ पे काटना है, एक बार काटे इस तरह काट दिए, अब यहाँ पे इस तरह काटे। अब देखिए यहाँ पे जो चाप काटे ई वाला और ई वाला, इसको नापेंगे। देखिए नाप लिए, अब यहाँ पे रख के इसको काट देते हैं। देखिए यहाँ पे मिला, अब इसको और इसको यहाँ मिला देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ एक चाप खींचेंगे, फिर यहाँ पे इसको अंदाजा कितना बड़ा करना है, चाप खींचे यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक चाप खींचना है। ठीक है, अब इसको नापना है। नाप लिए, अब यहाँ से काटेंगे, अब
ई बिंदु को यहाँ से मिला देंगे। देखिए मिला दी है, अब इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे ई, यहाँ पे डी हो गया। हम लोग का रचना तो निकल गया, अब क्या लिखेंगे, रचना के चरण सवाल में बोल रहा है तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं रचना के चरण। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिए हैं, बी सी कितना है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक, रेखाखंड खींचा। ठीक है, देखिए ई वाला 4 सेंटीमीटर तो लिख देते हैं एक बार, हो गया। देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में ई समद्विभाजित भाजित किया है 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट, यहाँ से लिखना चालू करते हैं, बी सी को समद्विभाजित किया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे, देखिए तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या किए हैं, इसमें एक चाप खींचे हैं यहाँ पे, इस तरह काटे हैं, कितना 4 सेंटीमीटर, तो यही लिखेंगे, और एक त्रिभुज बन गया है तो उसको भी लिख देते हैं। ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर चाप काटे हैं, ठीक है, लेकर एक त्रिभुज ए बी सी का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे, देखिए चौथा पॉइंट में लिखेंगे बी को हम लोग केंद्र मान के यहाँ पे एक न्यून कोण खींचे हैं, तो इसी को लिखेंगे बी से बी एक्स एक रेखाखंड खींचा जहाँ कोण सी बी एक्स एक न्यून कोण है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट लिखेंगे, ये अब बी को केंद्र मान के हम लोग 3 बराबर भागों में बांटे हैं, तो इसको लिख देते हैं हम लोग, फिर बी को केंद्र मानकर 3 बराबर चाप क्या है, बी बराबर बी वन बराबर बी टू बराबर बी थ्री, यही ना खींचे हैं, तो लिख देते हैं खींचा। ठीक है, अब छठा पॉइंट लिखेंगे, देखिए छठा पॉइंट में बी टू से सी को मिलाया, इसको लिखेंगे बी टू से सी को मिलाया। ठीक है, इसके बाद सातवां पॉइंट लिखेंगे, देखिए अब सातवां पॉइंट में इसको लिखेंगे बी टू सी के समांतर कौन है, बी थ्री डी, तो इसी को लिखते हैं सातवां पॉइंट में, अब बी टू सी समांतर बी थ्री डी खींचा जो बढ़ाए गए बी सी से डी पर मिलती है।
ठीक है, लास्ट पॉइंट आठवां लिखेंगे। और देखिए आठवां पॉइंट में क्या लिखेंगे, एसी के समांतर क्या खींचे हम लोग, डीई। तो यही वाला लिखेंगे हम लोग, डी से एसी समांतर डीई खींचा जो बढ़ाए गए ए बी से ई पर मिलती है। ठीक है, देखिए रचना का चरण हो गया। अब हम लोग औचित्य लिखेंगे। देखिए औचित्य में हम लोग क्या लिखेंगे, डी ई समांतर ए सी। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए आप लोग को नीचे लिखना है आठवां नंबर के नीचे, डी ई समांतर ए सी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी के समरूप त्रिभुज कौन हो जाएगा, ई बी, इसके बाद डी। तो यही चीज़ लिख देंगे, ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन हो जाएगा, ई बी डी। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, ई बी बट्टे ए बी, ई बी बट्टे ए बी लिख देंगे यहाँ पे, ई बी बट्टे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बट्टे बी सी, बी डी बट्टे बी सी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डी ई बट्टे सी ए या तो ए सी, डी ई बट्टे ए सी बराबर कितना गुना हम लोग का निकाला है, पूर्णांक में है, वन पूर्णांक वन बट्टे टू है, तो उसको तोड़ के किस प्रकार लिखे हैं, थ्री बट्टे टू। तो देखिए हम लोग का हो गया। धन्यवाद दोस्तों।